एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारे खस्ता नमक पारे गेहूं के आटे से जबरदस्त टेस्टी इस दिवाली बनाइए इस कुरकुरे नमक पारे को, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस होंगे। जरूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल इंडियन दरबार किचन को सब्सक्राइब। तो चलिए आज बनाते हैं दिवाली के लिए स्पेशल नमक पारे जिसमें हम कम्प्लीट गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। गेहूं के आटे में जब भी हम नमक पारे बनाते हैं कुछ छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सारे टिप्स मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आपके नमक पारे आप आराम से 1 से 1.5 महीना स्टोर करके भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने 2 कप आटा लिया है गेहूं का, आप किसी भी एक मेजरिंग कप को सेट कर लीजिएगा, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी नमक 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून उतनी, थोड़ा सा जीरा या ऑप्शनल है 1 टीस्पून, बस स्वाद बढ़िया आएगा। इसी के साथ अजवाइन है, बस हल्के से हाथों में इस तरीके से मसल के मैं यहाँ पर अजवाइन को भी ऐड कर दूंगी। इन सारी चीजों को आटे के साथ बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आटे को महीन बांधने तक में, चलिए खस्तापन लाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 4 से 5 चम्मच उतना ऑयल। बस ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ अच्छा सा महीन बने। मैं यहाँ पर जानबूझकर घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल से बढ़िया से खस्ता बनते हैं, आप देख सकते हो 4 से 5 चम्मच मैंने तेल को ऐड किया। अच्छे से हमें इस तरीके से हाथों से सारे ऑयल को आटे में रब करना है। मैंने तेल का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि बढ़िया से क्रिस्पी और क्रंची बने। अगर आप घी का इस्तेमाल करोगे तो खस्ता बनेंगे, हमें इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप ऑयल से इसे प्रिपेयर कर रहे हो, देख सकते हो अच्छे से इसको इस तरीके से मलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि ऑयल अच्छे से सारे आटे में मिक्स हो। डिटेल में बताऊंगी तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर जब हमने मुहीन को ऐड किया है तो हर एक आटे के कोने कोने में अच्छे से ऑयल मिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप इस तरीके से मुट्ठी बांधो तो यहाँ पर आटा बन रहा है, बिखर नहीं रहा है, ये सही कंसिस्टेंसी है। इस कंसिस्टेंसी का आने तक आपको अच्छे से ऑयल को आटे के साथ इस तरीके से रब करना है जब तक आटा इस तरीके से फॉर्म ना हो जाए। चलिए यहाँ पर आटे में ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमें जब आटा इस गूंथते हैं तो पानी को थोड़ा ज्यादा करके ऐड करना होता है। मैदे की शुमार में आटा थोड़ा ज्यादा करके पानी पीता है। मैं यहाँ पर 3/4 कप उतना पानी ले रही हूँ, एकदम से बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, हल्के से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छे से डो बना लेंगे। हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है आटे को, बस हार्ड ही रखना है। कैसे पानी को ऐड करेंगे और आटे को गूंद लेंगे, आप देख सकते हो मैंने धीरे धीरे ही पानी को ऐड करते हुए सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया है। बस इसी तरीके का डो हमें बनाकर तैयार करना है। ये पूरी के आटे से हल्के से थोड़ा हार्ड साइड पर ही इस तरीके से जब आप मसल कर गूंद लोगे आटे को तो ग्लूटीन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हम आटे को गूंद लेंगे, कहीं पर भी क्रैक्स नहीं है। इस तरीके से आटे को गूंदना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए कंप्लीट ड्राई भी नहीं है आटा, इस तेज चला के अच्छे से 5 मिनट गूंदने के बाद मैं यहाँ पर इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 30 से 45 मिनट्स के लिए। आप इससे ज्यादा वक्त हो तो 1 घंटे के लिए भी इसे रेस्ट करने के लिए रख सकते हो। चलिए देखें आगे का स्टेप। तो चलिए सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल, इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच के बराबर देसी घी। यहाँ पर बढ़िया से खस्ता लेयर्स क्रिएट करने के लिए हमें कंप्लीट 4 बड़ा चम्मच देसी घी का यूज करना है। यहाँ पर आप ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून उतना गेहूं का आटा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम मिक्स करेंगे आप देख सकते हो एक बढ़िया सा मिक्सचर यहाँ पर घी और आटे का यहाँ पर लेयर्स क्रिएट करने के लिए बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका। ये पेस्ट ही बहुत ज्यादा जरूरी है खस्ता से लेयर्स आपके बनाकर तैयार करने के लिए। तो चलिए डो को रेस्ट होते हुए बढ़िया तरीके 1 हार हो चुका है, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हमारा डो यहाँ पर रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो चलिए देखें आगे का स्टेप। आटे को मैं यहाँ पर 3 पोर्शंस में कट कर लूंगी ताकि रोल करने में इजी हो। डिवाइड कर लिया, एक पोर्शन रखकर बिल्कुल रोटी की तरह पतला रोल कर लेंगे, कोई शेप नहीं चाहिए हमें, बेसिकली इवन हमें रोल करना है इसको। हल्के से जैसे भी आप रोल करें इसको बस इवनली रोल कर लें।
ताकि सारे साइड्स इवनली रोल अप हो, वरना एक साइड थिक और एक साइड थिन हो जाएगा। लीजिए, बढ़िया तरीके से इवनली मैंने यहाँ पर रोल कर लिया है। आप देख सकते हो थिकनेस, दोनों साइड्स आप फोल्ड करके देख लीजिए, थिकनेस इवन है, बढ़िया तरीके से रोल कर लिया है। यहाँ पर आता है एक स्टेप, जो हमने घी के साथ आटे को मिक्स करके खस्ता बनाने के लिए मिक्सचर बनाकर तैयार किया है, उसका थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर मिक्सचर इस तरीके से ऐड करूंगी। उंगली की हेल्प से इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है, इस रोटी के लेयर में अच्छे से स्प्रेड हो जाए घी का मिक्सचर, ताकि खस्तापन बढ़िया आए और क्रिस्पी बढ़िया से लेयर्स निखर कर आए। इसलिए तो चलिए, यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से रोल कर लेंगे, ताकि अच्छा टाइट रोल कीजिए। जब हम इसकी लेयर्स कट करेंगे तो इवनली विजिबल होगी, तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा अच्छे से बढ़िया तरीके से टाइट रोल। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से मैंने सारे इस तरीके से रोल कर लिए हैं। एक सिलिंड्रिकल सा एक रोल यहाँ पर बनकर तैयार है, बस इसे एक इंच का रोल रखते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर पीसेस को कट कर लूंगी इवनली। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से लेयर्स विजिबल हैं सारे, आप देख सकते हो इस तरीके से पीस रखेंगे हथेली की हेल्प से। मेक श्योर कीजिएगा इस तरीके से हथेली की हेल्प से जेंटली एक प्रेस देंगे। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से इवनली नीचे की तरफ रोल आउट हो चुका है, बस अब हमें इसे चपाती की तरह रोल करना है। बस इवन तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे, यहाँ पर इसे रखेंगे। आगे का स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस टेक्निक को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हल्के हाथों से मैंने घी को लिया, इवनली इस तरीके से मैं घी को यहाँ पर सारे रोटी पर बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। मैं फर्स्ट फिंगर का यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो हल्के से जेंटली मैं सारी रोटी पर इस तरीके से इवनली अप्लाई कर लूंगी। इस तरीके से लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे और बढ़िया तरीके से सेकेंड उंगली से हल्के से जेंटल प्रेस दे देंगे। मेक श्योर कीजिए फर्स्ट उंगली से जिसे मैंने घी को अप्लाई किया उसे प्रेस नहीं लगा रही हूँ। अगर हम उसी हाथ से प्रेस करेंगे तो घी की और आटे की वजह से ये परत खुल जाएगी जब हम फ्राई करेंगे। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देख सकते हो बढ़िया से खस्ता लेयर्स हैं। तो मैंने हल्का सा जेंटल प्रेस सेकेंड फिंगर से दे दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए मैं आपको और एक बता दूं, हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और इवनली रोटी की तरह बस हमें रोल कर लेना है। सिस्टमेटिकली काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रोल कर लिया, अब मैं यहाँ पर घी के मिक्सचर को फर्स्ट फिंगर से अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी इवनली कोनों तक, अच्छे से बढ़िया तरीके से। मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं बल्कि हल्के से थोड़ा थोड़ा घी का मिक्सचर मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। फिर आप देख सकते हो मैं लिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर और क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट फिंगर से मैं हल्के से इस तरीके से जेंटल सा प्रेस दे रही हूँ, क्योंकि इस फिंगर में मैंने घी को अप्लाई नहीं किया है। घी को अप्लाई किया हुआ फिंगर से आप करोगे तो जैसे ऑयल में फ्राई करोगे तो वो परत निकलने स्टार्ट हो जाए। सकते हो बढ़िया तरीके से बस इस तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लिए। तो चलिए यहाँ पर ढेर सारे नमक पारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, चलते हैं ऑयल की तरफ। मैं आपको एक सीक्रेट स्टेप बताऊंगी जिससे आपके नमक पारे लेयर्स भी बढ़िया तरीके से खिलकर निखर कर आएंगे और इवनली कुकिंग भी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मैंने हाई टेम्परेचर पर रखकर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तकरीबन तेल अच्छे से जैसे ही गर्म हो जाए, जब हाथ रखो तो भाप महसूस होनी चाहिए, इतना तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर फ्लेम को कम्प्लीटली लो कर देंगे और एक साथ ढेर सारे नमक पारे इस ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी, जिससे टेम्परेचर इवनली मेंटेन हो जाएगा। जब हम एक साथ ढेर सारे नमक पारे ऐड करेंगे लेयर्स भी बढ़िया तरीके से निखर कर आएंगी। आप देख सकते हो ओवर क्राउड नहीं कर रही हूँ, बस अच्छे से फिलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो फ्लेम कम्प्लीटली लो कर ली है, किस तरीके से बढ़िया तरीके से परत खुल रही है। यहाँ पर इमीडिएटली फ्लिप नहीं करेंगे, एक या दो मिनट दे दीजिएगा, जैसे अच्छे से कुक हो जाए हम इसको फ्लिप कर लेंगे। चलिए इस तरीके से कर लेंगे फ्लिप और अच्छे से लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इस साइड से भी कर लेंगे कुक। तो चलिए बढ़िया तरीके से सारे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरीके से ऑयल से स्ट्रेन आउट करते हुए रिमूव कर लेंगे। देख सकते हो कितना बढ़िया और खूबसूरत सा कलर आया हुआ है नमक पारों पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रंची बने हैं। तो चलिए इस तरीके से स्ट्रेन आउट करेंगे और खस्ता खस्ता रिमूव कर लेंगे। तो चलिए बढ़िया तरीके से स्ट्रेन कर लिया है, इसको रिमूव कर लेंगे।
एक प्लेट में। तो ऐसे ही मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर लूंगी, इसको रिमूव कर लेंगे। देख सकते हो कितने बढ़िया गेहूं के आटे के खस्ता क्रिस्प नमक पारे यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी बता, कितने बढ़िया खस्ता क्रिस्प बने हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। डिटेल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तब भी जबरदस्त नमक पारे आपके बनकर तैयार होंगे, बाजार से भी बढ़िया। इस दिवाली जरूर से बनाइएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।